खुल चुकी है ये खजाना, खुल चुका है। सो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निशांत और आज अभी रात के बज रहे हैं एक एक दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो मैं बता रहा हूं, मुंह से बता रहा हूं, एक बज रहा है। और अभी पहले करते हैं डिनर, डिनर करने के बाद फिर आपको कुछ दिखाते हैं। तो ये आ गया है भाई हमारा डिनर, दम आलू कड़ी पकौड़ा चटनी और पुलाव और रोटी। तो खा के बात करता हूँ मैं। तो खाना खा लिया है, पेट एकदम फुल हो चुका है। और अभी अभी मैंने चेक किया कि ब्रीथ का सीजन 2 आ चुका है। अभिषेक बच्चन, नित्या मेनन और अमित साध। तो अभी मैं देखने बैठ रहा हूँ इसको, अभी जो आपको दिखाना था वो मैं भी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले एक एपिसोड देख लूँ, अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करूँगा, नहीं अच्छा लगेगा तो एक तो देख ही लूँगा धीरे धीरे, फिर इसको खाना खाते खाते देखेंगे, देखेंगे ज़रूर। लॉकडाउन से करीब एक हफ्ता पहले मैंने ये गुल्लक खरीदी थी, ये काफ़ी बड़ी गुल्लक है। तो इसको मैंने खरीदा था कि चलो पैसे वैसे डालेंगे इसके अंदर, धीरे धीरे भरेंगे इसको। लेकिन फिर हो गया लॉकडाउन और फिर ये बहुत तेज़ी से भरने लगी, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे मैं कहीं गया नहीं, कहीं पे ट्रिप नहीं करी, तो मेरे पास काफ़ी पैसे बच गए जो मैं अर्न करता था, वो मेरे पैसे बच गए। ट्रिप्स पे जो खर्चे होते थे वो सारे बच गए, तो मैंने इसके अंदर काफ़ी पैसे डाले थे। आज मैं इसको फोड़ के देखने वाला हूँ कि मैंने लॉकडाउन में कितना पैसा बचाया है, वो सारा पैसा जो है इसके अंदर है। जो मतलब बेसिक अपने सारे खर्चे काटने के बाद मैं काफ़ी पैसे इसके अंदर डाल देता था, मतलब कभी 100 डाल दिए, कभी 500 डाल दिए, 2000 भी डाले हैं मैंने इसके अंदर, 2000 भी बहुत सारे होंगे इसके अंदर। तो मुझे लगता है करीब 15000 के आसपास हो सकते हैं इसके अंदर पैसे। वैसे मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम है क्योंकि मैं कोई काउंट नहीं रख रहा था। तो देखते हैं कितना इसको फोड़ते हैं पहले, और फिर देखते हैं इसके अंदर कितना खजाना है, और फिर कुछ खरीदना है घर के लिए तो खरीदेंगे इन पैसों से। तो इसको कैसे फोड़ा जाए समझ में नहीं आ रहा, घूसा मार के फोड़ूँ, घूसा गुस्से से मेरा हाथ टूट जाएगा। ओ भाई साहब, बहुत बहुत हैवी है यार ये। ये छोटी वाली नहीं है, ये बड़ी वाली गुल्लक है ना, तो ये थोड़ी भारी भरकम सी है, हैवी सी है। तो इसको घूसा मार के तो तोड़ नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि हाथ टूट जाएगा मेरा, घूसा नहीं मरेगा इसमें, इसको ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा। खुल चुकी है ये खजाना, खुल चुका है। भाई साहब ये तो बहुत माल है, 500 का नोट देख रहे हो कितने इसके अंदर, बहुत पैसे हैं ये। अभी चेक करते हैं कितने हैं, सब नोट इकट्ठे करते हैं। सबसे पहले 2000, एक दो तीन, तीन 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 तीन, तो तीन है इसके अंदर 2000 रुपये के, मतलब 6000 रुपये तो यही हो गए। तो इसको रख देते हैं एक जगह, अब इकट्ठा करते हैं 500, एक दो बीस 500 के नोट हैं, मतलब 10000 रुपये ही हैं। और है क्या, और नहीं है। तो ये हो गए हमारे पास 6000 और 10000, 16000 रुपये। अब देखते हैं 200 के, 200 का एक, 200 का दो, 200 का तीन, 200 का चार, और नहीं है 200 का
और एक 500 का और है, ये भी है। एक दो तीन चार, तो 200 के ये चार नोट हैं। अब चेक करते हैं 100 के। एक दो पचास के, एक दो तीन बस 50 के और नहीं है, तीन नोट हैं। 10 और 20, एक दो तीन बीस के, देखते हैं कितने हैं। एक तो यार क्या है ना, 2 रुपए के सिक्के में और 1 रुपए के सिक्के में बहुत सिमिलैरिटीज हो गई हैं। आप देखने में दोनों पीछे से एक जैसे लगते हैं, तो मिलते नहीं है जल्दी से, मतलब कंफ्यूजन हो जाती है, मिक्स हो जाते हैं। तो ये देख सकते हो आप कितना माल था, काफ़ी पैसे हैं ये, कम से कम 15-20 हज़ार के आसपास होंगे। तो अभी इनका टोटल करता हूँ मैं, फिर बताता हूँ कि एग्जैक्ट कितना अमाउंट था। तो सबसे पहले तो अपने पास हैं 6,000 रुपये, जो कि हैं दो हज़ार के नोट, और फिर हमारे पास हैं 500 के काफ़ी सारे हैं भाई, बहुत माल है ये देखो। तो 500 के कितने हैं गिनता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10,500 रुपये हैं 500 के नोट, और 6,000, 10,000 और 6,000, 16,500। तो ये है 16,500 रुपये। और अब देखता हूँ 200 के कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 800 रुपये 200 के हैं। तो 16,500 और 200 के हैं चार नोट, मतलब 800, 16,500 और 800 हो गए हमारे पास 17,300। अब 100 के देखता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 नोट हैं हमारे पास 100 के, 18,500, 18,500। और 50 के हैं 3, 18,650, 10-10 के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, और इसमें एक 10 का सिक्का मिला देते हैं 20, तो 200 रुपये ही है, इतने सारे पैसे 200 रुपये बस। तो 18,650 और 200, 18,850, कितना माल इकट्ठा हुआ है। तो ये करीब है 19,000 रुपये,
चिल्लड़ को मैंने अच्छे तरीके से नहीं गिना है, मतलब मोटा मोटा हिसाब है कि 19,000 रुपये के आसपास, मतलब 19,200-300 रुपये हो सकता है, या 19,100 हो सकता है, या 19,500 हो सकता है, इसके आसपास ही है। 19,000 के करीब मैंने बचाए हैं पिछले 3 या 4 महीने में, आप कह सकते हो लॉकडाउन के टाइम पे, तो काफ़ी पैसे मैंने बचा लिया है। और ये वही पैसा है कि जो मैं अपनी ट्रिप्स में खर्च करता था, मतलब अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो मैं कहीं राइड कर रहा होता, कहीं घूमने जा रहा होता, ये पैसा सारा उनमें ही खर्च होना था, तो वो जो खर्च नहीं हुआ वो पैसा बच गया, वो मैंने गुल्लक में डाल दिया था, तो काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए। अब देखते क्या करना है, जो भी होगा आपको चैनल पर दिख जाएगा, बता दूंगा मैं क्या खरीदने वाला हूँ इन पैसों से, क्या करने वाला हूँ इन पैसों का। तो अभी फ़िलहाल ये देख लो माल, बहुत दिनों बाद इतना कैश यूज़ किया है हाथ में, क्योंकि आजकल सब ATM से होता है, क्रेडिट कार्ड से होता है, कहीं कैश देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो यार बस इतना ही था इस वीडियो में, गुल्लक फोड़ रहा था तो मैंने कहा चलो यार वीडियो बना लेते हैं, लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा कि गुल्लक में कितना माल इकट्ठा किया जा सकता है लॉकडाउन में। तो बहुत सारे लोगों ने किया होगा ऐसा एक्सपेरिमेंट, अगर आपने भी ऐसा किया है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने किस तरह पैसे सेव किए, और सेव नहीं किए तो क्यों नहीं किए। वैसे भी आजकल कई सारे लोगों की तो जॉब्स चली गई हैं, लेकिन कई सारे लोग हैं जो अर्न कर पा रहे थे, जैसे कि मेरा ऑनलाइन सारा काम होता है तो मैं अर्न कर पा रहा था, उतना नहीं कर पा रहा था जितना रेगुलर कर पाता हूँ, लेकिन स्टिल मेरी अर्निंग ज़ीरो नहीं हुई थी कोरोना वायरस की वजह से। तो जो पैसे बचे हमने गुल्लक में घुसेड़ दिए, अब घुसेड़ दिए तो थोड़ी गुल्लक तो दिखाना तो था ही कि कितना बचाया है, कितना आप बचा सकते हो। तो अगर आप भी गुल्लक गुल्लक बनाते हो तो बनाओ, पैसे इकट्ठे हो जाते हैं यार उसमें। तो अगर आपका कोई सपना है कि आपको कोई राइड करनी है, कोई लॉन्ग राइड करनी है, उसके लिए जोड़ना चालू कर दो, 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, जो मिले डालते रहो उसमें डालते रहो, 1 साल के अंदर आपका इतना पैसा तो आराम से हो जाएगा कि आप नेक्स्ट ईयर आप एक 10-15 हज़ार रुपये वाली राइड कर पाओ। लद्दाख भी जा सकते हो, मतलब लद्दाख जितना भी कर सकते हो आप, डिपेंड करता है आप कितना खर्चा करते हो, कितनी सेव कर पाते हो, क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं लाइफ में, हर बार सेव कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा था तो मेरी काफ़ी सेविंग हुई घर पे रहने से सेविंग हुई है, घर पे नहीं रहूँगा तो मेरी सेविंग नहीं होगी, क्योंकि घूमने जाते हैं तो बहुत खर्चे होते हैं यार, बाइक पे खर्चा बहुत होता है, पेट्रोल का भी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कि आपको मज़ा आया हो देख के नोट गिनते हुए मुझे, तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल अभी जाता हूँ मैं, और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि जो स्टोरीज़ वगैरह है मैं सारी इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, तो आपको वहाँ पे अपडेट मिलती रहेगी कि क्या चल रहा है कहानी लाइफ में। और व्लॉग डालने की कोशिश करता रहूँगा, कुछ कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट होगा लाइफ में तो डालता रहूँगा। बाकी टाटा बाय बाय।